प्यारे बच्चों, सबको साई राम है। हमने पिछली कक्षा में सुर श्याम पद को सुना है, पढ़ा है। वहाँ क्या है, बाल कृष्ण के भोलेपन, उसके स्वभाव, उसकी बाल लीला, इसके बारे में हमने देखा है कि इस पद्य के पहले पंक्तियों में कृष्ण अपने बड़े भाई अर्थात दाऊ माने बलराम इसके प्रति क्या करता है, अपनी माता यशोदा से शिकायतें करता है। शिकायतें माने आरोप, दुर्घटने। सो इसे हमने देखा है कि यहाँ क्या क्या कहकर कृष्ण को उसके ग्वाल सखा लोगों से बलराम उसे चिढ़ाता है कि यशोदा ने तुझे कब जन्म दिया, उन्होंने तुम्हें मोल लिया है, तो खरीद लिया है, तेरे माता कौन है, तेरी माता कौन है यशोदा, अगर तेरी माता है लेकिन उसका रंग क्या है, गोरा है, तेरे पिता कौन है, अगर नंद बाबा तेरे पिता हैं उनका रंग भी क्या है, गोरा है, पर तुम्हारा शरीर का रंग काला क्यों है, इस तरह कहकर उसे चिढ़ाता है। इसे हमने देखा है पिछली कक्षा में। तो अब आगे बढ़ाते हैं यह पद्य को बच्चों, कि आप 122 क्या है पेज नंबर खोलिए और मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू ना रीझे। तो अब कृष्ण का क्रोध अपनी माता यशोदा की तरफ मुड़ता है। अब बलराम के बारे में वह शिकायत कर बैठा, पर अब उसका क्रोध यशोदा की तरफ मुड़ता है। वह कहता है, हे माता अथवा तू मोही को मारन सीखी, मारन सीखी इसका अर्थ क्या है, मारन का अर्थ होता है मारना, मारन शब्दार्थ मारना, होडेयुदु क्या बोलते हैं, होडेयुदु कन्नड़ा, होडेयुदु। माता तुम मेरे को मारना सीखी है, बलराम को क्या नहीं करती है, नहीं मारती है, दाऊ ही कबहू ना खीजे, दाऊ ही शब्दार्थ क्या है, दाऊ पर भैया से अन्ननिगे। सो क्या करना नहीं सीखे हैं, खीज माना माने क्या अर्थ है, खीजना शब्दार्थ होता है क्रोध करना, को पगड़ो नीन केवल क्या है ननन मात्र होड़ियुदु बड़ियुदु सिट्टुगोळ्ळुवुदन्नु कल्तिद्दिया, ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೋಹನ ಕೋ ಮುಖ ರಿಸ್ ಸಮೇತ ಲಖಿ ಮನೆ ಮೋಹನ್ ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಯಹ ಕೃಷ್ಣ, ಮೋಹನ್ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇಖನೆ ಕೋ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಹೇ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೋಹನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಕಹತೆ ಹೈ, ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ मोहन कहते हैं सूरदास इधर। मोहन को मुख रिस समेत लखी, रिस माने क्रोध, समेत माने क्रोध युक्त, क्रोध से मिला हुआ, समेत माने मिला हुआ, लखी देख कर, लखी शब्द का अर्थ क्या है, देख कर, लखी माने देख कर, नोड़ी कन्नड़ में। मोहन के मुख रिस समेत लखी जसुमती सुनी रीझे, जसुमती माने यशोदा, सुनी सुनकर माने जो बातें बोलता जा रहा है क्रोधित बातें उसे सुनकर रीझे माने शब्दार्थ क्या है, रीझे का अर्थ होता है मोहित होना अथवा खुश होना,
क्या बोलते हैं, संतुष्ट होना, खुश होना, मोहित होना, आकर्षित होना। ये सिट्टिनिंद केंपु केंपाद कृष्णन मुखवन्नु नोडी यशोदेगे तुम्बा संतोष आगतदे। आके संतोषगोंडु आतन मातनु आलिसि एनु हेळ्ताळे, सुनहु कान बलभद्र चबाई जन्मत ही को दूत। अब कृष्ण का क्रोध शांत करने के लिए यशोदा कहती है सुनहु कान्हा, कृष्ण को प्यार से कान्हा बोलकर बुलाते थे वृंदावन वासी गोकुलवासी। सुनहु शब्द का अर्थ क्या है, सुनो, स्नो नहीं, क्या होता है सुनो, सुनहु इसका अर्थ केळु, कन्नड़ में क्या बोलते हैं केळु, सुनो हिंदी में क्या बोलते हैं सुनो। सो सुनहु कान्हा, यहाँ हे कान्हा तुम सुनो, बलभद्र चबाई, चबाई माने चुगलखोर, चबाई का अर्थ क्या होता है चुगलखोर, चबाई, चबाई शब्दार्थ क्या है चुगलखोर, लंपटा हेलता रे, चुगलखोर क्या बोलते हैं लंपटा, एक तरह की गालियां हैं। तो क्या है यहाँ, सुनो कृष्ण बलराम जन्म से ही क्या है दूत है, दूत माने दुष्ट, दूत का अर्थ क्या होता है दूत माने दुष्ट, केटवा दुष्टा। तो यहाँ कृष्ण का क्रोध शांत करने के लिए क्या करती है यशोदा, अब बलराम को कृष्ण के सामने गालियाँ देने लगती है। सुनो कृष्ण बलभद्र यानी कि बलराम जन्म से ही क्या है चुगलखोर है अथवा चबाई है, जन्म से ही वह दुष्ट है, दूर्त है, ऐसा कहती है। और कहती है सूरदास इस पद्य में इस तरह वर्णन करते हैं कि कृष्ण से यशोदा कहती है श्याम मोही गोधन की सौ हाँ माता तू पूत, श्याम माने कृष्ण एले कृष्णने केळिल्ली ननगे मोहिको माने मुझको गोधन की सौ, सौ माने कसम अथवा सौगंध, सौ शब्दार्थ क्या है कन्नडदल्ली आणे हेळ्तारे प्रतिज्ञे अल्वा, आणे अथवा क्या बोलते हैं सौगंध, क्या बोलते हैं सौगंध अथवा और अर्थ है कसम, क्या बोलते हैं कसम, इस तरह अर्थ है। तो ये सब ग्वाल हैं इसलिए यशोदा कहती है उनकी संपत्ति गोधन, गोधन पर मैं कसम खा के सौगंध खा के कहती हूँ कि श्याम मोही हाँ माता तू पोत, तुम्हारी माता मैं ही हूँ और तू ही मेरा पुत्र हो, पूत का अर्थ क्या है पुत्र, पूत शब्दार्थ क्या है पुत्र अथवा मगा बोलते हैं, हाँ माने मैं, हाँ का अर्थ क्या है मैं अंदरे नानो। तो इस तरह कृष्ण के क्रोध को यशोदा क्या करती है शांत करती है कि सूरदास कहते हैं कृष्ण से यशोदा इस तरह कहती है सुनह कान्हा बलभद्र चबाई है जन्म से ही, जन्मत से माने जन्म से ही वह दुष्ट है दूत है और मुझे गोधन की कसम है अथवा मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि हाँ माता मैं तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। इस तरह यशोदा अपने वात्सल्य भरी क्या है पुचकार से कृष्ण के क्रोध को क्या करती है शांत करती है। इसका सुंदर वर्णन कवि सूरदास ने इधर किया है। तो बच्चों मैं समझती हूँ यह पद्य अच्छी तरह से आपको मालूम हुआ होगा, पेज अथवा पुट पलटिए वहाँ आप 124 पेज नंबर खोलिए वहाँ इसका क्या है भावार्थ है। बच्चों एक बार मैं उसे पढ़ती हूँ आप सुन लीजिए भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में भाई बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है, वह मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है, मोल लेना माने खरीदना,
इसी गुस्से के कारण उसके साथ मैं खेलने नहीं जाता। इस तरह कृष्ण कहता है। वह मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। वह यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर काला क्यों है। उसकी ऐसी हंसी मजाक माने छिड़ाने की रीति सुनकर मेरे सब ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर क्या करते हैं, हंसते हैं। वहाँ देखिए बच्चों, बजना बजाना बजवाना ऐसा होता है प्रेरणार्थ क्रिया। तो उसी तरह उन्हें बलराम ने ही ऐसा सब सिखाया है। माँ, तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है और भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। इस तरह कृष्ण क्या करता है, अपने सखाओं के सामने भाई बलराम को चिढ़ाने की रीति का वर्णन करता है। कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर यशोदा खुश हो जाती है। वह कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही क्या है, चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इस पद में सूरदास ने बालकृष्ण के भोलेपन, मुग्धता और यशोदा के वात्सल्य का मार्मिक तो मर्मस्पर्शी वर्णन मतलब चित्रण किया है। बच्चों, तो एक वाक्य का प्रश्न आप देखिए, सूरश्याम पद के रचयिता अर्थात कवि कौन है, रचनाकार कौन है, मालूम है संत कवि सूरदास। कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है, कृष्ण की शिकायत उसके दाऊ पर है तो वह बलराम पर है। यशोदा और नंद का रंग कैसा था, गोरा। गोरा विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, काला। गोरा माने सफेद, इसका विलोम शब्द क्या होता है, गोरा विलोम शब्द काला। काला अंदरे कपो। तो आगे चुटकी दे दे कर हंसने वाले कौन है, वह ग्वाल बालक। यशोदा किसकी कसम खाती है, गोधन की कसम खाती है। बालकृष्ण किससे शिकायत करता है, बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करता है। बलराम के अनुसार किसे मोल लिया गया है, बलराम के अनुसार कृष्ण को खरीदा गया है तो मोल लिया गया है। बालकृष्ण का रंग कैसा था, बालकृष्ण का रंग श्यामा अथवा क्या बोलते हैं, काला था। व्याकरणांश देखिए बच्चों, बलभद्र बलराम, कान्हा कृष्ण लिखिए, जसोदा कौन है, माता, नंद को पिता लिखिए। रीझना माने मोहित होना, खिजाना व्यंग्य अथवा चिढ़ाना लिख सकते हैं, चिढ़ाना। बलबीर कौन है, बलराम। जसोदा माने जो मैंने बोला था उत्तर भारत में या के बदले जा कहते हैं जसोदा, दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, यशोदा। वहाँ जसोदा के सामने यशोदा लिखिए और सही शब्द चुनकर लिखिए। वहाँ ऊपर कोष्ठक तो ब्रैकेट में दिया है, जिस जगह में सही शब्द लिखना है वहाँ लिखिए। उदाहरण के लिए जसोदा, वहाँ क्या लिखना है आप लोगों को, गोरी। जसोदा का रंग क्या है, गोरा, इसलिए गोरी। सो आगे आधुनिक रूप लिखिए, देखिए मोही माने वह प्राच्य अथवा प्राचीन शब्द है। अभी उसका आधुनिक शब्द लिखने की शैली कैसे है, मुझे उसका अर्थ लिखना पड़ता है। इतना है बच्चों कि समझ में आया होगा, अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी भी लिखिए, पाठ्य पुस्तक पढ़िए, राग से इसे पढ़ना आप सीख लीजिए। इस पद्य को राग आप जानते हैं, साई राम।